नमस्कार सीजीपीएससी मेंस 2021 में अब मात्र 3 महीने बाकी हैं और इन 3 महीनों में किस प्रकार से बेहतर तैयारी करनी है इसके लिए कंपटीशन कम्युनिटी लेकर आई है आप सभी के लिए सीजीपीएससी मेंस कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स प्रोग्राम, जिसमें हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज बताएंगी कि किस प्रकार से आपको इन 3 महीनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है ताकि आप बेहतर से बेहतर नंबर लेकर आ सके इस मेंस के एग्जामिनेशन में। अगर मैं बात करूँ अपने सब्जेक्ट CGGS की, तो इस वीडियो में आगे आप देखेंगे कि मैंने बताया है कि CGGS सब्जेक्ट का अप्रोच कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करना है, किस प्रकार से क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और किस प्रकार से एज अ होल अप्रोच आपका रहना चाहिए ताकि आप मेरे सब्जेक्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लेकर आ सके। एक बात आपसे और शेयर करना चाहता हूं कि ये मेरा पहला वीडियो है और मेरे आने वाले वीडियो YouTube पर नहीं आने वाले हैं। मेरे जो अगले वीडियो होंगे इस कोर्सेज के, तो मैं आपको बता दूं वो कहां पर मिलेगा, तो वो सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन पे और हमारे वेबसाइट पे। तो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा जिस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर इस कोर्स से संबंधित आपको कोई भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो साथ ही हमारी वेबसाइट का लिंक है और एक ऐसा लिंक होगा जिससे कि आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे रायपुर सेंटर पर भी आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आगे करिए आप वीडियो को एंजॉय। नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी के मेंस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज आपका स्वागत करता हूं। इतना हिंदी सुन के कुछ इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं अभी टेंशन में आ गए होंगे कि ये वीडियो क्या हिंदी का है, तो मैं आपको बता दूँ ये वीडियो जो है वो बायलिंगुअल रहने वाला है। ठीक है, मतलब कंटेंट आपको हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, आपको चिंता नहीं करनी है। जितने लोग मुझे जानते हैं उन सभी को पता होगा कि मैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन या CGGS पढ़ाता हूं। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि इस पूरे पैकेज में CGGS के बेहतर तैयारी कराने की जिम्मेदारी ये रहेगी मेरी। क्लियर है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूंकि ये मेंस का वीडियो है तो मेंस का एक छोटा सा ब्रीफिंग आपको कर देता हूं मैं। CGPSC मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें 7 पेपर्स होते हैं और हर पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। क्लियर, तो पहले पेपर 1, फिर है पेपर 2, फिर पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 और ये हुआ पेपर 7। पेपर 1 जो होता है वो होता है लैंग्वेज का या भाषा का, पेपर 2 किसका है तो है ऐसे निबंध। क्लियर, अब देखिए पेपर 3 से पेपर 7 तक ये जो बचे 5 पेपर ये GS के पेपर होते हैं, तो इसको आप GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 और GS 5 भी कह सकते हो। ठीक है, तो पेपर 3 या GS 1 यहां से लेके पेपर 7 तक की अगर मैं बात करूं तो हर एक जो पेपर है ना वो 3 पार्ट्स में या 3 भागों में डिवाइडेड होता है। क्लियर, सब में क्या होता है ये बताना जरूरी नहीं है यहां पर आप सभी को, चूंकि मैं CGGS पढ़ा रहा हूं तो मैं आप सभी को बताता हूं कि छत्तीसगढ़ कहां कहां पर है। ठीक है, चलिए तो सबको मैं बांट देता हूं ये 3 पार्ट्स में। तो आप देखोगे कि पेपर 1 पेपर 2 का पैटर्न अलग है और पेपर 3 से पेपर 7 मतलब जितने GS के पेपर है उन सभी का एक पैटर्न है, सभी पेपर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगे पेपर 3 से पेपर 7 तक। पेपर 3 की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है इसके पार्ट 3 या भाग 3 जो है इसमें है छत्तीसगढ़ का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। क्लियर, पेपर 4 में फिर हिस्ट्री नहीं है, पेपर 5 में आ जाओगे तो जो पहला पार्ट है उसमें छत्तीसगढ़ और इंडिया की इकॉनमी जो है उसको साथ में रखा गया है, तो इकोनॉमी लिख दिया हूं बस, खाली ध्यान रखना CG इंडिया दोनों की है हमको, मतलब मैं आपको CG की इकोनॉमी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है,
पेपर फाइव में ही अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें तो इसमें है छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी या भूगोल, ठीक। पेपर सिक्स की अगर आप बात करोगे तो पेपर सिक्स में फिर से पार्ट थ्री में है छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर, लोक कला संस्कृति, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ करके नाम है उसका, ठीक है, नाम से टेंशन नहीं है। तो सी जी जी एस कहाँ कहाँ पर है, तो जी एस का हिस्ट्री वाला पोर्शन पेपर थ्री के भाग तीन या पार्ट थ्री में है, इकोनॉमी पेपर फाइव के पार्ट वन या भाग वन में है, साथ में इंडियन इकोनॉमी भी है, इसके याद रखना, सिर्फ छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी नहीं है इस पार्ट में, ठीक। फिर पार्ट थ्री में छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी है और पेपर सिक्स के पार्ट थ्री में क्या है, तो छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर। आई होप इतनी चीज़ों को आप समझ गए होंगे, आपको ये पता चल गया होगा कि छत्तीसगढ़ जीएस जो है ये मेंस में कहां कहां पर आपको किस किस पेपर में दिखने वाला है। अब इन तीन पार्ट्स की मैं बात करूं तो पार्ट वन 75 मार्क्स का होता है, पार्ट टू 50 या 50 और फिर से पार्ट थ्री जो है वो 75 या 75 मार्क्स का, क्लियर है। मतलब सीजी हिस्ट्री 75 का आएगा, सीजी ज्योग्राफी 75 का, आर्ट एंड कल्चर 75 का आएगा, इकोनॉमी जो है इंडियन इकोनॉमी के साथ मिलाकर 75 का आने वाला है, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सीजी जीएस का इंपॉर्टेंस कितना है मेंस में, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं सबसे पहले ये बता देता हूं आपको कि हम अपने सिलेबस को स्टार्ट कहां से कर रहे हैं। तो हमारा सिलेबस चालू होता है पेपर थ्री के पार्ट थ्री छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री से, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री से। तो एक बार क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री जो है उसका बेसिकली क्या सिलेबस है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं अपन, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, ज़्यादा वाइट हो गया होगा। अब आई होप चीज़ें क्लियर हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में बता देता हूँ आपको ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। स्टार्ट होगा छत्तीसगढ़ का इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल से, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक एज। उसके बाद छत्तीसगढ़ के इतिहास में आगे क्या है, तो प्राचीन इतिहास में या एंशियंट हिस्ट्री में देखोगे तो वैदिक युग या वैदिक एज था, वहां से लेके गुप्त काल तक, मतलब गुप्तन पीरियड तक, ठीक। उसके बाद कुछ रीजनल डायनेस्टीज का नाम दिया है, देखो कौन कौन से हैं, तो राजर्षि तुल्य कुल है, फिर नल, इसके अलावा देखोगे तो शरभपुरी है, पांडु है, सोमवंशी, इसके बाद एक वर्ड लिख दिया है इत्यादि सेट्रा, मतलब आप मान के चलो जितनी रीजनल डायनेस्टीज हैं उन सबको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर मेडिवियल में आ जाओगे या मध्यकालीन इतिहास में आओगे तो कलचुरी है और उनका प्रशासन, मतलब कल्चुरी डायनेस्टी भी देखेंगे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे। फिर लगभग आप आधुनिक में पहुंच गए, मतलब मॉडर्न टाइम्स में, तो क्या है, मराठों का इतिहास देखना है हमको, ठीक है, तो मराठा देखेंगे, फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है। अब उसके बाद आपको पता है मराठे के बाद क्या आ जाता है, तो ब्रिटिशर्स के अंदर जो छत्तीसगढ़ था कहां तक, तो 1947 तक, और साथ ही छत्तीसगढ़ में क्या थी, तो बहुत सारी देसी रियासतें, ठीक है, जिसको हम क्या कह देते थे, तो हम इंग्लिश में उनको कह देते हैं प्रिंसली एस्टेट्स, साथ में कुछ जमींदारियां, ठीक है, तो इनको देखेंगे। फिर 1857 की क्रांति है, तो सीधी सी बात है छत्तीसगढ़ ब्रिटिशर्स के अंदर, मतलब ये वही समय रहेगा जब 1857 का क्रांति होगा, ठीक है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में फ्रीडम मूवमेंट, तो वही अंग्रेजों के अंदर जो मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेबर मूवमेंट या श्रमिक विद्रोह, फिर कृषक आंदोलन या पीजेंट मूवमेंट है, जनजातीय आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन का मतलब क्या हो गया, ट्राइबल रिवोल्ट्स। उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्टेट फॉर्मेशन या राज्य का निर्माण। इसके अलावा एक शब्द आपको नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर, वो है बस्तर का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ बस्तर। तो बस्तर का इतिहास, इसको भी हम देखेंगे ही देखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो जनजातीय आंदोलन ट्राइबल रिवोल्ट्स तो लिखा ही है, इसके अलावा बस्तर में कुछ वंश थे जिनमें सबसे प्रोमिनेंट क्या है, तो काकती, ठीक है, तो उनको भी देखना है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके अलावा एक वर्ड लिख दिया है क्या, अन्य या एट्सेट्रा, ठीक है, या इत्यादि। तो बेसिकली क्या है, हमको इसके अलावा भी चीज़ों को देख लेना है। आई एम सॉरी, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं
सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक को डील करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है इस वीडियो में जो हम डील कर रहे हैं वो है पाषाणकालीन स्थल। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में पाषाणकालीन या प्री हिस्टोरिक टाइम्स में हम देखें तो दो चीजें मिलेंगी, एक तो स्थल या साइट्स, और दूसरा वहां से कौन सी चीजें मिली हैं, या इंग्लिश में कह दूं तो उसके फाइल्स। क्लियर है ये। सेकेंडली क्या देखेंगे, जनश्रुति या जो फोकलोर्स है उसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ का इतिहास। अब जनश्रुति में दो चीजें आ जाती हैं, याद रखना, एक तो क्या है रामायण और दूसरा क्या है महाभारत। क्लियर, तो आई होप इतनी क्लैरिटी जो है वो आपको आ गई होगी। ठीक, चलिए, तो आप यह समझ गए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो पेपर 3 के पार्ट 3 में है और ये 75 मार्क्स का है। ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे तो 2 मार्कर क्वेश्चन भी आते हैं, 4 मार्कर भी आते हैं, 8 मार्कर भी आते हैं, और 2 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्कर जिसमें से आपको एक बनाना होगा। मतलब ध्यान रखेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मार्कर जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा, बाकी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो 2 मार्कर रहेगा, 4 मार्कर, 8 मार्कर और 15 मार्कर। ठीक है, अब ये जो 2 मार्कर मतलब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ऐसे कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो ऐसे 8। आपको सभी 8ों को सॉल्व करना है, किसी प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा यहां पे। 4 मार्क वाले क्वेश्चन की बात करूं तो ऐसे 5 मिलेंगे, 8 नंबर के 3 मिलेंगे और 15 का मैंने बताया 2 रहेगा जिसमें से एक करना है। मतलब सिर्फ ये जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। वर्ड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें वर्ड लिमिट रहता है 30 वर्ड्स। लगभग अगर आप लाइन कहो ना तो 4 लाइन आपको मिल जाने वाली है। कितनी लाइन मिलेगी, 4 लाइन। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ब्राइटनेस जो है ना उसको बढ़ा देना चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, एनीवेज, चलो जो 4 मार्कर 4 नंबर वाला प्रश्न है या क्वेश्चन है उसमें आपको कितने वर्ड है, तो 60, और 60 वर्ड्स के लिए अप्रोक्सीमेटली कितनी लाइंस, 6 लाइंस मिलने वाली है, 6 लाइन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 8 नंबर वाले प्रश्न पर या 8 मार्कर क्वेश्चन। वर्ड लिमिट कितनी है, तो 100 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो 10 से 12 लाइंस रहेंगी। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वर्ड लिमिट कितना है उसका, तो 175 वर्ड्स लगभग आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज आप 20 लाइंस मान सकते हो इस आंसर को लिखने के लिए आपको मिलने वाला है। टोटल मार्क्स अगर इस सेक्शन में से बात करें तो 2 नंबर के 8 क्वेश्चन है, मतलब 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनको मिला के 16 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर के 5 क्वेश्चन है मतलब वहां से 20 नंबर बन गया। 8 के 3 है तो 8 दिया 24, और 15 का 1 है 15। अब आप जोड़ दो आ जाएगा कुल कितना, 75। तो ये पूरा छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री का जो सेक्शन है पेपर 3 पार्ट 3 में से ये 75 का है। ब्रेकअप क्या बताया मैंने, तो 2 नंबर के आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 नंबर के आपको 5 मिलेंगे, 8 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे और 15 नंबर के 2 मिलेंगे जिसमें से एक क्वेश्चन करना रहेगा। मतलब इस पूरे सेक्शन में से आप देखोगे तो आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 8 और 5 13, 13 और 3 16 या 16 प्लस 1 17 या 17। अब मेरा काम क्या रहेगा, तो देखो सबसे पहले ये क्या है, तो ये है एक क्रैश कोर्स। तो मैं कुछ चीजों को मान के चल रहा हूं। क्या मान रहा हूं मैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने मेंस का जो हमारा कंप्लीट वीडियो है उसको एक बार देख लिया होगा। ठीक है, या आपने हम जो प्री का क्रैश कोर्स चला रहे थे जो कि फ्री था कहां पर, यूट्यूब में, उसको कम से कम
अटेंड कर लिया होगा। अगर किया होगा तो ये लेक्चर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार पहले उसे देख लेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, अब देखो मेरा यहाँ पर मोटो क्या है, मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो देखिए सीधी सी बात है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको कंटेंट तो दूंगा, समझ में आया, लेकिन किस फॉर्म में दूंगा मैं, तो याद रखना क्वेश्चंस के फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि क्रैश कोर्स में जो मेरा CGGS का कोर्स है उसको मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, तो पूरे क्वेश्चंस के फॉर्म में। इससे दो फायदे होंगे। क्या दो फायदे होने वाले हैं? तो एक तो आपको मेंस के लायक कंटेंट मिल जाएगा, दूसरा इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसकी आप क्या कर सको, प्रैक्टिस। अब ये छत्तीसगढ़ का इतिहास वाला सेक्शन है जिसमें कि 17 प्रश्न है या 17 क्वेश्चंस हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि कैसे इन 17 क्वेश्चंस में मैं आपको एज दिला सकूं या बाकी लोगों से अधिक नंबर दिला सकूं। मैं ये कोशिश करूंगा कि इन सभी 17 प्रश्नों में आप बाकी लोगों से कम आधा से एक नंबर प्रति प्रश्न या पर क्वेश्चन अधिक ला सके। तो आप देखोगे कि इस पूरे सेक्शन में से आप कम बाकी लोगों से 15 से 20 नंबर इजीली एक्स्ट्रा ला सकते हो। कैसे लाओगे ये बताऊंगा, लेकिन ला सकते हो, इसको ध्यान में रखना। तो पूरे छत्तीसगढ़ को मैं कहूं तो इजीली 50 नंबर बाकियों से ज्यादा ला सकते हैं आप, अगर मेरा कहा मानेंगे तो कम से कम 50, ज्यादा भी ला सकते हो। अब आप लोग खुश हो गए होंगे कि मेंस में हम लोग का 50 नंबर ज्यादा आएगा तो हमारा पोस्ट जो है वो बेहतर हो जाएगा, तो खुश होने की बात भी है, ठीक है। लेकिन क्या इतना आसान है? तो नहीं, इतना आसान होता तो सबका आया होता, लेकिन जो बताऊंगा अगर कर लोगे तो जरूर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल था या प्री हिस्टोरिक साइट्स थे, उसके ऊपर से पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में मुख्य प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थलों का नाम बताएं। नेम दी मेजर प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ छत्तीसगढ़। अब क्वेश्चन को यहीं पर पॉज करिए। हमेशा आंसर राइटिंग का एक फ्लो चार्ट जो है ना, उसको अपने मन में बसा लो, ठीक। इस फ्लो चार्ट में याद रखना सबसे पहला स्टेप जो होता है आपका, वो होता है क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से। कितनी बार? तो कम से कम 2 बार। तो क्वेश्चन को पढ़ना और साथ में फिर क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है। ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप ये है कि आपको क्वेश्चन का नेचर या उसकी प्रवृत्ति इसको समझना होगा। मतलब क्वेश्चन जो है ना बेसिकली 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो कि तथ्यों पर या फैक्ट्स पर आधारित हो, दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो कि कैसा हो, एनालिटिकल हो। मतलब किस पर आधारित हो ये? तो विश्लेषण पर या विश्लेषणात्मक क्वेश्चन। तो पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ने के बाद आप समझ गए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर आपने ये देखा कि क्वेश्चन का नेचर क्या है या प्रवृत्ति क्या है, क्या क्वेश्चन में सीधा किसी फैक्ट को पूछा गया है या किसी प्रकार का कोई एनालिसिस हमारी ओर से मांगा गया है, ठीक है। तो दूसरे स्टेप के बाद आप तीसरे स्टेप पे आएंगे और तीसरे स्टेप पर आपके मन में तुरंत क्या होगा, तो कुछ तथ्य या फैक्ट आने लगेंगे जिसको आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। अब ये तथ्य कौन से हो सकते हैं? तो ये कोई भी तथ्य हो सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा है छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, तो आपके मन में आ गया होगा अभी 28, तो आपके मन में चल रहा होगा कि मुझे क्या बताना है, 28 आंसर में लिखना है, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 32 है, तो 28 है, याद रख लो अभी, ठीक है। 32 का जो फाइनल नोटिफिकेशन है, बाकी 4 का वो नहीं आया है अभी तक, ठीक है। उसके बाद फाइनल जो होता है आंसर राइटिंग में स्टेप,
वो है प्रेजेंटेशन का। मतलब मुझे कैसे आंसर को ऐसा प्रेजेंट करना है कि मुझे बाकी लोगों से कम आधा या अधिक से अधिक एक नंबर क्या मिल सके, एक्स्ट्रा मिल सके, या मेरा आंसर जो है वो कैसा हो तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल हो, जब चेकर उसको देखे तो उसको मजा आ जाए और उसके बाद मेरा आंसर उसके दिमाग में बेंचमार्क बन जाए और बाकी सभी आंसर्स का वो एनालिसिस मेरे आंसर के आधार पर करने लगे। क्लियर? तो ऐसा हमारा क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो क्या फ्लो चार्ट है भाई? तो फ्लो चार्ट ऐसा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो समझो, फिर देखो क्वेश्चन का नेचर क्या है, प्रवृत्ति कैसी है, तथ्यात्मक है कि एनालिटिकल है, उसके बाद फिर आ जाओ देखो कौन सा फैक्ट उस आंसर में सेट होने वाला है, फिर ये समझो कि उस फैक्ट का प्रेजेंटेशन कैसे करना है। अब ये तो बात हो गई थ्योरी में, प्रैक्टिकल तरीके से इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं, आप लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके पास आ गया जिसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ में आपको क्या बताना है, तो लोकेशन एंड एक्सटेंशन। लोकेशन मतलब स्थिति और एक्सटेंशन मतलब विस्तार। तो पहले स्टेप पे आओ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, पढ़ने पे हमको समझ में आ गया कि कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ स्थिति, विस्तार, लोकेशन और एक्सटेंशन, यही दो चीज पूछा है और कुछ भी नहीं। फिर अगला स्टेप आया, हमने देखा कि क्या क्वेश्चन तथ्यात्मक है या विश्लेषणात्मक है, तो हमको पता चला कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पूछा है। अब दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, तो अब दिमाग में फैक्ट आ जाना चाहिए वही कि स्थिति विस्तार कैसा है, तो लोकेशन और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पहले किसके लिए, एक्सटेंशन या विस्तार के लिए, और स्थिति के लिए क्या आना चाहिए इसका, लोकेशन की छत्तीसगढ़ कहां पर है, तो ये तीन फैक्ट दिमाग में आ जाने चाहिए। चौथा, प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, तो देखो प्रेजेंटेशन एक तो क्या कर सकते हो, सीधा आप लिख दो, और दूसरा क्या करो, आप इसको मैप पर दर्शाओ। अब आप खुद मुझे बताओ कि स्थिति विस्तार बुक में सीधा लिखा होता है तो आपको देखने में अच्छा लगता है, या मैप पर बनाया होता है तो आपको देखने में अच्छा लगता है? सीधा जवाब आपका खुद आना चाहिए कि मैप पर ज्यादा अच्छा लगता है, तो जब हमको अच्छा लगता है तो सीधी सी बात है चेकर को भी अच्छा लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में अगर आप मैप बनाएंगे तो आपको बाकी लोगों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा नंबर मिलने का प्रोबेबिलिटी बन सकता है। क्लियर है? तो ये क्या हुआ, प्रेजेंटेशन। तो ये मैप बनाया तो क्या कर दिया आपने, अपने आंसर में एक प्रेजेंटेशन वाला नया तड़का लगा दिया, और इस तड़का के कारण क्या होगा, बाकी लोगों से हो सकता है आपको आधा नंबर अधिक मिल जाए। क्लियर? तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। प्रैक्टिकली क्या करते हैं, तो हम अपने इसी क्वेश्चन पर समझते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों को अभी तक मैंने बता दिया है, समझा दिया है। ठीक है, पहला लेक्चर था इसलिए मैं चीजों को थोड़ा सा ज्यादा बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट लेक्चर से हम सीधा टॉपिक पर ही आएंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचने कि सर बहुत बोर कर रहे हैं, तो भाई देखो ऐसा है, मेरे बोर करने कोई शौक तो है नहीं, आप लोग के फायदे की चीज है इसलिए आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्य प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थलों का नाम बताएं, या नेम दी मेजर प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ छत्तीसगढ़। चलिए, अब क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको यह पता चलेगा कि आपको प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल या प्री हिस्टोरिक साइट्स जो हैं उनका सिर्फ नेम या नाम बताना है, मतलब उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई विश्लेषण नहीं करना है, कोई एनालिसिस नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बता देना है, तो फैक्ट बताना है ऐसा कहा गया है। वर्ड लिमिट क्या है, तो 30 वर्ड्स है, और ये जो 30 वर्ड्स है इसके लिए आप मान लो कि आपको कितनी लाइन मिली है, तो 4 लाइन मिली है। अब कुछ लोगों के मन में आता है कि ये जो 30 वर्ड्स हैं क्या इससे एक्सीड करना चाहिए, तो देखिए वर्ड लिमिट मैक्सिमम 30 लिखा है, मतलब बात यही है कि आपको एक्सीड नहीं करना है। मिनिमम 30 लिखा होता मतलब कम से कम 30 लिखना है, ज्यादा का कोई लिमिट नहीं है। यहां पर मैक्सिमम 30 लिखा है मतलब अधिक से अधिक 30 तक जाइए, कम की कोई सीमा नहीं है, कम आप जितना कम लिखना चाहो, चाहो तो कोरा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं,
मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम 30 है, उससे कम करेंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमको यहां पर आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन से दो कीवर्ड मिले हैं। पहला कीवर्ड है प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल, और दूसरा कीवर्ड क्या है, इसका नाम बताना है या नहीं बताना है। ठीक है, चलिए मैं पहले थोड़ा समझाता हूं और उसके बाद आंसर राइटिंग की तरफ आएंगे। प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल, तो ये प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, देखिए ऑलरेडी मैं इसको कई बार, अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा होगा तो अलग अलग कोर्सेस में मैंने बताया है कि इतिहास का विभाजन कैसे होता है करके। ठीक है, नहीं देखा है तो फिर से एक बार बता देता हूं कि इतिहास या हिस्ट्री, इसका अगर मैं डिविजन करूं तो इसको मैं तीन भागों में बांट सकता हूं। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो बहुत सारे हिस्टोरियंस और इतिहासकार क्या करते हैं ना, तो बड़ा अलग अलग टाइप का डिवीजन देते हैं जिसको आप पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजन जो है आपको होने लगता है। ठीक है, बट मैं आपको जो बता रहा हूं उसको विश्वास कर लो, उसको याद कर लो। अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग मत होते हैं, उनके अलग अलग पोस्टुलेशंस होते हैं, लेकिन अपने आप में कोई गलत नहीं है, कोई सही भी नहीं है, सब अपने आप में सही है, सब अपने आप में गलत है। ठीक है, चलिए, तो हिस्ट्री TORY है, आर एचएस नहीं दिख रहा है, या इतिहास, इसको विभाजित किया जाए तो सबसे पहले होता है प्रागैतिहासिक काल, इंग्लिश में बताऊंगा, टेंशन मत लो। दूसरा क्या है, आद्यैतिहासिक काल, और उसके बाद तीसरा क्या है, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक क्या है, तो यही आपका प्री हिस्ट्री है। आद्य ऐतिहासिक ये आपका क्या है, तो प्रोटो हिस्ट्री है, और ऐतिहासिक मतलब समझ जाओ हिस्टोरिक या हिस्ट्री है ये। ठीक, अच्छा अभी डिवीजन किस आधार पर है, तो ये ऐसा समय था प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक टाइम्स जिसमें ना लिपि या स्क्रिप्ट, इसका विकास या डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो कोई लिपि या स्क्रिप्ट नहीं था लिखने के लिए। ठीक है, कुछ भी लिख दिया करते थे लोग। आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक टाइम्स, इस समय क्या हुआ था, तो लिपि या स्क्रिप्ट जो लेखन शैली होती है इसका विकास हो गया था। ठीक है, लेकिन समस्या यहां थी कि विकास तो हो गया लेकिन इसको अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं या समझ नहीं पाए। और हिस्ट्री या ऐतिहासिक समय क्या है, तो लिपि है, पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं, परीक्षा में लिख के भी आ सकते हैं। ठीक है, अब हमको इस प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये जो समय था, इस समय औजार या टूल्स के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता था, पत्थर। पत्थर के लिए एक और शब्द क्या होता है, तो पाषाण, इंग्लिश में स्टोन, इसलिए इसको पाषाण काल या स्टोन एज भी बोलते थे। समझ में आया। अब इसका अगर हम फिर से डिवीजन या विभाजन देखेंगे तो इसको चार भागों में बांट सकते हैं। इंडिया में देखोगे तीन ही भाग देते हैं, छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलरली चार भाग बोलता है। ठीक है, तो क्या है भाई, पहले पूर्व पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल, फिर है उत्तर पाषाण काल, फिर है क्या, नव पाषाण काल। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको, पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक, मतलब पूर्व पाषाण काल को पेलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल को मीजोलिथिक एज, उत्तर पाषाण काल इसको आप पोस्ट मीजोलिथिक या लेट मीजोलिथिक भी बोल सकते हो, और नव को कह सकते हो नियोलिथिक एज। तो नव पाषाण काल हो सकता है आपका नियोलिथिक एज। ठीक है, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें आता है एक तो ताम्र पाषाण और उसके बाद लौह युग। ताम्र पाषाण मतलब
कॉपर स्टोन एज, कहीं कहीं पे आप ब्रोंज एज भी पढ़ोगे इसका नाम, लौह मतलब आयन एज। अब कुछ कुछ हिस्टोरियंस क्या करते हैं पता है, इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं, मतलब लौह युग या आयन एज को उठा के बोलते हैं ऐतिहासिक समय में आता है। कुछ हिस्टोरियंस ये जो ताम्र पाषाण काल है इसको उठा के प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक टाइम्स में ले आते हैं, मतलब ये जो कॉपर स्टोन एज था उसको उठाकर प्री हिस्टोरिक टाइम्स में भी ले आते हैं कुछ इतिहासकार। अच्छा, कुछ इतिहासकार तो ये बोलते हैं कि प्रागैतिहासिक में एक होता है पाषाण, दूसरा होता है ताम्र पाषाण, तीसरा होता है लौह युग। तो ये अलग अलग प्रकार के मत आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। मैं ये जो बताया हूँ इसको याद रखोगे, मतलब हमने प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक टाइम है उसी का नाम पाषाण काल या स्टोन एज देखा और उसके चार विभाजन देखे, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल में ताम्र पाषाण या कॉपर स्टोन एज, ठीक है, ब्रॉन्ज भी बता दिया था मैंने, और लौह या आयन एज, क्लियर है ये। तो ये आपको इतना याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा इन सबका कालक्रम या टाइम बता दूं, बताने में कोई समस्या नहीं है लेकिन मेंस के लिए आपका काम का नहीं। छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में ये नहीं पूछेगा कि ये प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल का विभाजन जो हुआ है उसका आप एक टाइमलाइन बताओ कि पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, पास्ट या पोस्ट मीजोलिथिक या नियोलिथिक, इसका टाइमलाइन बताओ, तो ये ऐसा नहीं पूछेगा। हाँ, इंडियन हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सीजी हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मेरा ये काम है कि आपको बताना कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और उन्हीं चीज़ों पे आपको फोकस कराना ताकि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक और बेहतर से बेहतर आउटपुट निकाल सको, एक अच्छी पोस्ट ले सको, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरा वीडियो है, इस वीडियो में जब मैंने लगभग 2012 से लेके 2021 तक के प्रश्नों को देखा तो ये जो टॉपिक हम डील कर रहे हैं इस वीडियो में, इसमें से 2 मार्कर क्वेश्चन ही आया है, मतलब इस वीडियो से अगर क्वेश्चन आया तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अधिक से अधिक हो गया तो 4 मार्कर, इससे बड़ा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। मतलब पैटर्न के अनुसार चलो तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, बट हो तो कुछ भी सकता है, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप समझ गए प्रागैतिहासिक कालीन स्थल क्या इसका मतलब होता है, नाम बताना है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था, फैक्ट्स। तो देखो फैक्ट जो है मैंने यहां पर लिख दिया है कि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन सा है, तो पहला देख रहे हैं ये हमारा कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा आप देखोगे तो ये बिलासपुर डिवीजन या बिलासपुर संभाग का ये हमारा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तीसरा अगर आप देखेंगे तो दुर्ग संभाग या दुर्ग डिवीजन का दुर्ग है, दुर्ग के जस्ट साउथ में आप चौथा देखो तो क्या है, बालोद, और उसके बाद नीचे अपन चले इस बस्तर डिवीजन में या बस्तर संभाग में तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम है कांकेर, क्लियर। तो ये बेसिकली मैं शेड कर देता हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर हमें प्रीहिस्टोरिक साइट्स जो हैं वो मिलती है, ठीक। अच्छा, अब ये जो कोरिया है यहां पर कौन कौन से लोकेशंस हैं, तो पहला है कोहा बऊर और दूसरा है खोड़सा। आई होप येलो अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं कोई दूसरा कलर सिलेक्ट करता हूं, कोहा बऊर और घोड़सा, ठीक। रायगढ़, तो रायगढ़ में है सिंघनपुर, बोतलदा, उसके अलावा सिरोली डोंगरी, उसके बाद क्या है, तो है बसना झार, फिर है कमरागढ़, फिर है ऊंगना, फिर है भावरखोल, फिर है गिधा, फिर है बेनी पाट, सूती घाट, फिर है खैरपुर, ठीक। उसके बाद दुर्ग, तो दुर्ग में क्या है, तो है अर्जुनी, बालोद में क्या है, तो चितवा डोंगरी, बहुत से लोग अभी भी राजनांदगांव समझते हैं, हजारों बार बता चुका हूं फिर बताता हूं, बालोद में है भैया, नहीं है राजनांदगांव में। कांकेर, कुलगांव, कान्हागांव, उड़कुड़ा, खैरखेड़ा और गोटी टोला, क्लियर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में हम समझ गए कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, थर्ड में हमने फैक्ट भी इकट्ठा कर लिया जो कि हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन में लिख देना है। अब आप क्या कर सकते हो, तो आपको क्वेश्चन दिया है और ये जो 4 लाइन है 1 2 3 4, आप चाहो तो ये सभी को आप
एक एक करके नाम लिख सकते हो, कोरिया लिख दो, कोहा, बहोर, घोड़, सार, फिर कॉमा करो, रायगढ़ में लिखो, सिंघनपुर, बोतलदा, सिरोली, डोंगरी, बसना, झार, कमरागढ़, कोरागढ़, ओंगना, सिरोली, डोंगरी, भावरखोल, गिद्दा, बेनीपाट, सूतीघाट, खैरपुर, दुर्ग में अर्जुनी लिख दो, बालोद में चितवा डोंगरी, कांकेर में लिख दो क्या, कुलगांव, कान्हागांव, उड़कुड़ा, खैरखेड़ा, गोटीटोला। अब आप खुद सोचो कि आप चेकर हो, आपके पास ऐसी कॉपी आई जिसमें चार लाइन में नामे नाम लिखा है, तो आपने दो चार पढ़ा, फिर आप क्या समझोगे, हाँ ठीक तो लिखा है, तो आप इसको क्या कर दोगे, एवरेज मार्किंग करके आगे निकल जाने वाले हो, हाँ कि ना। मतलब पूरा फैक्ट पता होने के बाद भी इस क्वेश्चन में आपको एवरेज मार्क मिला, जो कि आपकी नाकामी है। जब सब पता है तो आपको मार्क्स अच्छे मिलने चाहिए। तो यहां पर हमारा चौथा स्टेप काम आता है, जो कि क्या था, प्रेजेंटेशन। अब देखो प्रेजेंटेशन का तरीका बताता हूं आपको। तो जैसे मान लेते हैं कि ये बोर्ड एक पेज है, क्लियर। इस पेज में, या मैं पेज यहां पर बना देता हूं तो ज्यादा अच्छे समझोगे, ये आपका पेज है और इस पेज में आपको ये चार लाइन दिए हैं जिसमें आपको क्या करना है, आंसर को, ठीक है, चलो बढ़िया बात है। अब आपके पास फैक्ट रेडी है, ठीक है। हमेशा मन में ये देखिए कि क्या इस क्वेश्चन में मैप की जरूरत है। अगर मेरा मत माने तो यहां पर मैप की जरूरत है। कैसे जरूरत है, आपको प्लॉट करके मैं अगर बताऊं कि ये कोरिया है, ये रायगढ़ है, ये दुर्ग है, ये बालोद है, ये कांकेर है, तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, बजाय कि मैं नाम लिख दूं, सीधा से बात है, ठीक है। तो यहां पर आप भी सहमत हो गए होंगे कि आपको किसकी जरूरत है, तो मैप की जरूरत है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें आप, 60:40 मन में डिवाइड कर लो पेपर को। ये जो 40% ये हिस्सा है, इसको आप रखो मैप बनाने के लिए, 60% जो है आप लिखो इसमें कंटेंट। समझ में आया, तो 60:40 आपने डिवाइड कर लिया, 60 में कंटेंट लिखोगे, 40 में मैप बना दोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया सी बात है। अब अगर आप देखो ध्यान से, तो ये जो छत्तीसगढ़ का मैप है, इसमें एक जिला ईस्ट या पूर्व की तरफ है, बाकी सब कैसा है, तो वेस्ट या पश्चिम की तरफ है। मतलब आपको नाम इधर भी लिखना पड़ेगा और नाम इधर भी लिखना पड़ेगा। तो अगर एक कोने में मैप बना दोगे तो फिर रायगढ़ वाला या ईस्ट की तरफ जो आएगा उसके लिखने में समस्या होगी। तो आप इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, मैप को थोड़ा सा और सरका के बनाएंगे, ठीक है। मतलब लगभग मैं कह सकूं, अगर ये आपके आंसर का स्पेस है जिसमें कि ये चार लाइन दिए हैं, एक बार अच्छे से बना लेता हूं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इन दैट कंडीशन या इन दिस कंडीशन आप क्या करोगे, ये मैप ऐसा बनाओगे छत्तीसगढ़ का, ताकि आप इस ओर भी लिख सको और इस ओर भी लिख सको, ठीक। यहां तक समझ गए कि प्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो आई होप दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, तो आंसर की शुरुआत करनी है। तो आंसर की शुरुआत कैसे होगी, तो आंसर की शुरुआत होगी, आप पहली लाइन में लेफ्ट की तरफ से लिखना चालू करेंगे, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल मैप पर दर्शाए गए हैं। The major prehistoric sites of Chhattisgarh are displayed in the map, या are plotted in the map। ऐसा करके आपने एक लाइन लिख दिया आपके चार लाइन में से, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इसको पूरा एंड तक ना ले जाएं, अगर कंटेंट अधिक है तो आधा लिख के दूसरी आधी लाइन को यूज करें। अब ये जो स्पेस पूरा का पूरा बचा है आपके आंसर का, इसमें आपको क्या करना है, छत्तीसगढ़ का मैप बनाना है, और मैप बनाने के बाद यहां यहां पर आपको कंटेंट जो है वो लिखना है, क्लियर है। तो कंटेंट कैसे लिखोगे आप, तो कंटेंट आपको ये जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, आपको क्या करना है, तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट को ये शेड कर दिए,
और शेड करने के बाद यहां से एक लाइन ले लिए, और लाइन लेने के बाद इंग्लिश में तो इंग्लिश में, हिंदी में तो हिंदी में, कोहा बउर प्लस लिख सकते हो या कॉमा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉमा करोगे तो जगह कम लगती है, प्लस मत लिखना। कॉमा घोड़, क्लियर है ये। अब एक ही और लिख रहे हैं, तो ये बालोद में क्या था, पूरा लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पे ची लिख रहा हूं, चितवाड़ोंगरी। उसके बाद ये दुर्ग में आपने शेड कर दिया, तो यहां पर क्या है, तो यहां पर अर्जुनी। उसके बाद ये कांकेर है, कांकेर को आप दोनों तरफ से बता सकते हो, इधर चूंकि मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहां बता रहा हूं, तो यहां पर क्या बताया, कुलगांव, कॉमा ही लगाते चलता हूं मैं भी। फिर है कान्हा गांव, फिर उड़कुड़ा, फिर है खैर खेड़ा, फिर क्या है तो गोटी टोला। क्लियर है ये, तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद इसी प्रकार से मैं ये रायगढ़ को भी शेड करूंगा, और मैं क्या लिख दूंगा, सिंघनपुर, बोतलदा, सिरोली डोंगरी, बसना झार, कमरागढ़, ओमना, भावरखोल, गिद्दा, बेनीपाट, सूती घाट, खैरपुर। इसके अलावा चाहो तो यहाँ पर आप कबरा पहाड़, चाहो क्या लिख ही देना यार, छूटिए है, कबरा पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो आपने क्या किया, एक दो नंबर के आंसर में आपने फैक्ट बताया, लेकिन किस तरीके से, मैप के तरीके से। अब चेकर आपके आंसर को जब चेक करेगा तो देखेगा कि हाँ फैक्ट बताया है, मैप पर व्यवस्थित प्लॉट करके भी बताया है। अब आपको कैसे नंबर मिलेंगे तो मैथ से। क्लियर, तो आई होप आप तरीका भी समझ गए होंगे और आपको कंटेंट भी मिल गया होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है प्रागैतिहासिक कालीन स्थल से ऐसा बन सकता है। अब इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, आपको स्पेशल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का भी पूछ सकता है। तो जब रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पूछेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ रायगढ़ को शेड करोगे, और उसके बाद क्या करोगे, तो आप ये कंटेंट जो है उसको लिख देना। अगर आपको मैप बनाना नहीं आता है तो ये जो लाइव का फ्री क्रैश कोर्स हम कर रहे थे, इसमें लोकेशन और एक्सटेंशन वाला वीडियो है ना, उसमें मैंने मैप बनाना सिखाया है। प्लीज एक बार जाके छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सीख लो। डन, तो आई होप समझ गए आप। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंघनपुर के गुफा चित्रों के विषय वस्तु की जानकारी दीजिए। क्वेश्चन इंग्लिश में क्या है, गिव एन अकाउंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केव पेंटिंग्स ऑफ सिंघनपुर। कीवर्ड्स देखो क्वेश्चन से, पहले स्टेप में समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले सिंघनपुर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब सिंघनपुर के बारे में क्या बताना है, तो वहां पर जो गुफा चित्र है या केव पेंटिंग, आसान भाषा में कह दूं तो रॉक आर्ट या शेल चित्र, इसके बारे में बताना है। क्या बताना है, तो उनका विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर क्या है, एक शब्द में कह दूं तो उसका थीम क्या है, ये बताना है। क्लियर है ये, ठीक। चलिए, तो हमने क्या किया, जो चार स्टेजेस आंसर राइटिंग के मैंने बताए हैं, उसमें से पहले स्टेज पे हम आ गए, हमने देख लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने अच्छे से समझ लिया। इस क्वेश्चन में हमको थीम बताना है, सीधा एग्जाम्पल नहीं बताना है कि क्या क्या मिला है। सीधा एग्जाम्पल बताओगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक। तो पहला स्टेप हम समझ गए कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है, तो क्वेश्चन थीम मांग रहा है, ठीक। अगला स्टेप क्या था, कि ये देखना कि क्वेश्चन का नेचर या प्रवृत्ति कैसी है। तो यहां पर देखो, वैसे तो आपको एग्जाम्पल में क्या बताने पड़ेंगे, तथ्य ही बताने पड़ेंगे, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा एनालिसिस भी दिखाना है। मतलब ये क्वेश्चन सीधा सीधा फैक्चुअल नहीं है, है फैक्चुअल लेकिन सीधा सीधा फैक्चुअल नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको तथ्य या फैक्ट बताने हैं, लेकिन अपना थोड़ा एनालिसिस, क्यों, आपको बताना है कि उनका थीम कैसा है। थीम लिखा है क्या सीधा पुस्तक में कहीं पर, किस थीम पर आधारित है, नहीं लिखा है। ये आपको अपने दिमाग से बताना है, मतलब थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करना है। तो थोड़ा एनालिसिस है, और उस एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए आपको फैक्ट देना है। तो आप सेकेंड स्टेज पर आ गए, अब आपके दिमाग में क्या हो गया होगा, फैक्ट आ गया होगा कि भाई सिंघनपुर से क्या क्या मिला है। तो बहुत सारी मानव आकृति या ह्यूमन फिगर्स, सज्जा युक्त मानव सर, डेकोरेटेड ह्यूमन हेड, सामूहिक नृत्य के दृश्य,
मतलब एक ऐसा दृश्य है या पिक्चर है जिसमें ग्रुप डांस हो रहा है, उसके अलावा किसका पिक्चर या दृश्य है तो शिकार का, फिर हाथ में हल लिया हुआ किसान है, ठीक है, तो फार्मर है, उसके हाथ में क्या है, प्लॉ, उसके बाद क्या है तो बैलों का समूह, ऑक्स, फिर हाथी, गेंडा, ज्यामिति अलंकरण मतलब ज्योमेट्रिकल शेप्स, तो ये दिमाग में आपके याद आना चाहिए कि ये फैक्ट्स है। चौथा क्या है, इसका हम प्रेजेंटेशन कैसे करें, ठीक है, तो यहां तक आप पहुंच गए मानसिक रूप से। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम थीम समझते हैं। तो जब आप एग्जांपल को देखोगे तो देखो यहां पे ह्यूमन फिगर मानव आकृति है, फिर से मानव का सर या ह्यूमन हेड है, फिर सामूहिक नृत्य इसके दृश्य है मतलब ग्रुप डांस हो रहा है, मतलब थीम में पहले प्रकार के चित्र आपको ऐसे दिखते हैं जिसमें क्या है तो ह्यूमन फिगर्स या मानव आकृति है। सेकंड अगर आप देखोगे तो कुछ दृश्य है शिकार के, उसके अलावा आप देखोगे तो नृत्य के, तो कुछ पिक्चर्स हैं या दृश्य है। थर्ड अगर आप देखोगे तो कुछ एनिमल्स या जानवर है, देख लो बैल, हाथी, गेंडा। चौथा आप देखोगे तो क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप्स या फिगर्स, ज्यामिति अलंकरण कहते हैं हिंदी में। तो थीम यही चार है, आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। तो थीम क्या है, ये चार है। अब इसके एग्जाम्पल बताना है, तो मानव आकृति या ह्यूमन फिगर का क्या है, तो मानव आकृति मिली है, सीढ़ी नुमा भी मानव आकृति मिली है, मतलब ह्यूमन फिगर इन फॉर्म ऑफ अ लैडर, उसके बाद सज्जा युक्त मानव सर, डेकोरेटेड ह्यूमन हेड, तो ये इसका एग्जाम्पल आ गया पहले का। दृश्य या पिक्चर्स का, एक तो ग्रुप डांस या सामूहिक नृत्य का, फिर शिकार के, ठीक है, हंटिंग सीन्स कह सकते हो। अब एनिमल में क्या है, तो देखोगे एनिमल में तो आपको दो प्रकार का दिख रहा है, एक है क्या, बैल, बैल कैसा है तो डोमेस्टिक, हाथी, गैंडा, ये कैसे एनिमल है या जानवर है, तो ये डोमेस्टिक नहीं है, वाइल्ड एनिमल है, तो जानवर, तीनों एग्जांपल डाल लेना। फिर ज्यामिति अलंकरण, ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये तो हो गया चार, एक मैंने अभी नहीं बताया, सेपरेट बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको हाथ में हल लिया किसान दिखता है, तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये जितनी चीजें थी ये किस समय की दिख रही है, तो ये ऐसे समय की दिख रही है जब इंसान कृषि कार्य वगैरह नहीं कर रहा है, ठीक है, और ये ऐसा समय का है हाथ में हल लिया हुआ किसान, मतलब मानव जो है वो कृषि कार्य सीख चुका है, मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि ये नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज से संबंधित ये पेंटिंग होगी, ऐसा हम मान सकते हैं, हालांकि लिखित साक्ष्य रिटन डॉक्यूमेंट कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो चार के साथ पांचवा जो है, यहां पर अलग से भी थीम में डाल सकते हो या मानव आकृति में भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, हाथ में हल लिया हुआ किसान, ठीक है। चलिए तो कंटेंट भी रेडी हो गया, अब आ जाते हैं प्रेजेंटेशन पर, तो प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग का टेम्पटेशन हो रहा होगा कि यहां पर हम मैप बनाकर बताएं कि सिंघनपुर कहां है, बना सकते हो, लेकिन यहां पर बना के देखोगे ना तो जगह या स्पेस जो है वो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा क्योंकि लिखने के लिए कंटेंट बहुत है यहाँ पर, ठीक है। बहरहाल आप इतना बता सकते हो कि यह सिंघनपुर कहां पर स्थित है, तो आप क्या करेंगे, चार लाइन जो है उस चार लाइन में से पहली लाइन को डेडिकेट कर देंगे किसके ऊपर, इंट्रोडक्शन या परिचय के ऊपर, जिसमें आप लिखेंगे रायगढ़ जिले में स्थित सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर केव लोकेटेड इन दी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्राप्त या से में नहीं से प्राप्त शैल चित्रों के विषय वस्तु निम्न है, ठीक, ये आपका एक लाइन में आप लिखेंगे। अच्छा, अगर ऐसा लग रहा है
कि स्पेस ज्यादा खत्म हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं छोटे आंसर्स में जो कि 30 वर्ड्स और 60 वर्ड्स तक है, यहां पर सेंटेंस फॉर्मेशन को स्किप कर सकते हैं, सीधा फैक्ट पर भी आ सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा लिखना सिंघनपुर, सिंघनपुर डैश करके लिखना रायगढ़ जिला या रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, कॉमा सीधा गुफा चित्रों के विषय वस्तु निम्न है, या फॉलोइंग आदि सब्जेक्ट मैटर ऑफ दी केफ पेंटिंग्स, यहां तक लिख दोगे इंग्लिश में, अब वन लाइन के अंदर इजिली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट डालना, और पहला विषय वस्तु क्या था, मानव आकृति या ह्यूमन फिगर, इसके एग्जांपल लिखना। अगर लाइन के एंड में जगह बच जाती है तो आप यहां पर फुल स्टॉप करके सेकंड यहां पर लिख सकते हैं, और सेकंड में क्या लिख दोगे आप, दृश्य या सीन्स, फिर एग्जांपल बताना सामूहिक नृत्य के और शिकार के। फिर थर्ड, मान लेता हूं कि नीचे आ गए हो, एग्जांपल जानवर या एनिमल्स, बैल हाथी गेंडा। फिर चौथा ज्यामिति अलंकरण, ज्योमेट्रिकल शेप्स। क्लियर है ये? तो आई होप तीन लाइन में इस प्रकार से विषय वस्तु जो है आप उसको इजीली बता सकते हैं। तो एक लाइन को क्या किया आपने, इंट्रोडक्शन को डेडिकेट कर दिया, बाकी तीन लाइन में आपने कंटेंट को दे दिया, साथ में आपने एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दिया कि ये जो सिंघनपुर है ये कहां पर है, तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में आता कि इसको अगर मैप के साथ करना है तो कर सकते हो मैप के साथ। यहां पर क्या रहेगा, आपको मैप जो है उसको ये जो चार लाइन है उसके बीच में बनाना होगा, और छत्तीसगढ़ के मैप को बनाने के बाद आपको रायगढ़ को प्लॉट करना होगा, और यहाँ पे दिखाना होगा सिंघनपुर, और उसके बाद नीचे लिखना होगा विषय वस्तु, फिर वन, फिर से वही ह्यूमन फिगर या ह्यूमन शेप्स या मानव आकृति, उसके नीचे टू यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे थ्री करना, यहाँ पे फोर। तो चारों पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हो, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 और यहां से विषय वस्तु करोगे ज्यादा बेहतर है। नहीं समझ में आया तो फिर से बता देता हूं एक बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बीच में क्या किया आपने, ये बीच में आपने छत्तीसगढ़ का मैप बना दिया, मैप बनाने के बाद यहां पर रायगढ़ में सिंघनपुर दिखा दिया, फिर यहां पर लिखा विषय वस्तु, विषय वस्तु में 1, 2, 3, 4 चारों बता चुका हूं, ऐसे लिख दोगे तो भी आपका आंसर बहुत प्रेजेंटेबल दिखेगा। मतलब इस आंसर को आप दो तरीके से कर सकते हो अटेम्प्ट, अपने आप में दोनों सही हैं, दोनों प्रेजेंटेबल हैं, मेरे हिसाब से मैं चेक कर रहता तो दोनों में अच्छे नंबर देता, ठीक है। बहरहाल अब यहां से और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कबरा पहाड़ में विषय वस्तु। तो आप देखोगे कबरा पहाड़ में छिपकली, मगर, हिरण, मतलब फिर से क्या है, एनिमल्स या जानवर। इसके अलावा 36 आरियों वाला पहिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ज्योमेट्रिकल शेप्स या ज्यामिति अलंकरण। चितवा डोंगरी में देखोगे तो गधे की सवारी करता चीनी आकृति है, एक ड्रैगन है, फिर वही ज्यामिति अलंकरण या ज्योमेट्रिकल शेप्स। गोटी टोला, गोटी टोला कहां पर है, तो कांकेर, बता चुका हूं आपको ये कांकेर है। तो यूएफओ का शैल चित्र मिला है, साथ में ज्यामिति अलंकरण या ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये कहां से मिले हैं, तो गोटी टोला से। क्लियर? तो क्वेश्चन सिंघनपुर के ऊपर है, चार ऐसे जगह है छत्तीसगढ़ में जहां पर शैल चित्र बड़े विशिष्ट हैं, स्पेशल टाइप के हैं, कबरा पहाड़, चितवा डोंगरी, गोटी टोला। तो मैंने कंटेंट चारों का दिया है, चारों में से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सिंघनपुर डिटेल में बताया ही हूं, कबरा पहाड़ क्या बताया हूं, तो गेरू कलर की एक छिपकली है, ऑकर टाइप का कलर है छिपकली का, लिजर्ड इंग्लिश में, ठीक है। मगर, क्रोकोडाइल, हिरण बता चुका हूं आपको, यार जानते होंगे हिरण को, डियर, माय डियर, डियर इज वेरी डियर, सुने होंगे इंग्लिश वाले। 36 आरियों वाला पहिया, पहिया मतलब व्हील, आरी मतलब स्पोक, तो अ व्हील विद 36 स्पोक्स। उसके बाद ज्यामिति अलंकरण, ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक है। चितवा डोंगरी, गधे की सवारी करता चीनी आकृति दिखता है, मतलब चाइनीज फिगर राइडिंग अ डोंकी, पहला। सेकंड क्या है, ड्रैगन, फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स। गोटी टोला, तो यूएफओ के शैल चित्र मिले हैं, मतलब अ रॉक आर्ट डिपिक्टिंग अ यूएफओ, और उसके बाद क्या है, ज्यामिति अलंकरण या ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब आप देखोगे हर जगह पर ज्यामिति
अलंकरण या ज्योमेट्रिकल शेप्स दिख रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, उस समय लिपि का विकास नहीं हुआ था, तो कुछ ऐसे ऐसे चित्रों को बनाकर हो सकता है कि कुछ दर्शाया उस समय जाता रहा हो। चूंकि हमें मीनिंग नहीं पता है, इसलिए हम समझते हैं कि ये कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, बट एग्जैक्ट मीनिंग जो है इसको या इसका अभी क्लियर हमको नहीं है। क्लियर? तो पहला टाइप का क्वेश्चन हो सकता था इस चैप्टर से कि लोकेशंस बताओ कहाँ कहाँ पर है। सेकंड, थोड़ा और डिटेल में जाता तो पूछता कि कहाँ से जो केव पेंटिंग्स या रॉक आर्ट हैं उनका क्या सब्जेक्ट मैटर है, या कहाँ से कैसे मिले हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसे भी आपको पूछ सकता है। ये क्वेश्चन 30 का है, ये 60 में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ में पाषाण कालीन औजार मुख्यतः कहां से प्राप्त हुए हैं। नेम द प्लेसेस फ्रॉम वेयर द प्री हिस्टोरिक एज्ड वेपनरीज हैव बीन फाउंड इन छत्तीसगढ़। फिर से वही करना है, फैक्चुअल आंसर है क्योंकि यहां पर एक शब्द आ गया है नेम, या हमको क्या करना है कहां से हुए हैं या नाम बताना है। ठीक, पाषाण कालीन औजार, ठीक है, तो पाषाण काल के बारे में बता ही चुका हूं। तो पहला स्टेप आप समझ गए कि क्वेश्चन हम समझ गए भाई पाषाणकालीन औजार कहाँ कहाँ से मिला है, नाम बताना है। सेकंड में पता चला कि ये आंसर बिल्कुल फैक्चुअल है। थर्ड में आप आओगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पूर्व पाषाण काल या पेलियोलिथिक एज, तो महानदी घाटी, कबरा पहाड़, बोतलदा, छापामाड़ा, भावरखोल, गीधा, सोनबरसा, सब कहाँ पे, रायगढ़ में है। ठीक है, फिर मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज, कालीपुर, गढ़ घोघरा, घाट लोहांग, भाटेवाड़ा, ये सब बस्तर में है, गढ़ चंदेला, राजपुर, ये दोनों कोंडागांव में है। उत्तर पाषाण काल, वही लेट लिख रहा हूं, पोस्ट लिख देता हूं, पोस्ट मीजोलिथिक एज, क्या है एग्जाम्पल, कबरा पहाड़। नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज, अर्जुनी, चितवा, डोंगरी और टेरम। क्लियर? तो दिमाग में कंटेंट आ गया कि भाई प्राग ऐतिहासिक कालीन औजार, तो प्राग ऐतिहासिक काल को हमने चार पार्ट में, चार भागों में डिवाइड किया था, पेलियो, मीजो, पोस्ट मीजो और नियो, पूर्व, मध्य, उत्तर और नव पाषाण कालों में। तो एग्जाम्पल क्या है, पूर्व पाषाण काल का लगभग पूरा रायगढ़ जिले में ही है, महानदी घाटी, कबरा पहाड़, बोतलदा, छापामाड़ा, भावरखोल, गिद्धा और सोनबरसा। महानदी घाटी वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये रायगढ़ के दक्षिण वाला ये जो एरिया है महानदी घाटी का, वही कह रहा है आंसर में, ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए मैं रायगढ़ बोल रहा हूँ। ठीक, मीजोलिथिक ये बिल्कुल दक्षिण में है, आप देखोगे बस्तर और कोंडागांव, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बस्तर में कालीपुर, गढ़ घोघरा, घाट लोहांग, भाटेवाड़ा है, कोंडागांव में गढ़चंदेला है, राजपुर है। पोस्ट मीजोलिथिक उत्तर पाषाण काल में क्या है, तो कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ कहाँ है, तो फिर से ये रायगढ़ आ गए। और नव पाषाण काल नियोलिथिक एज, अर्जुनी, अर्जुनी जानते छो यार, दुर्ग प्रैक्टिकली ये बालोद में है, ठीक है, लेकिन दुर्ग लिया है, दुर्ग मान लेना। चितवा डोंगरी बता चुका हूं, बालोद है। टेरम कहाँ है, टेरम है रायगढ़ में। तो ये कंटेंट आप समझ गए। चौथा क्या है भाई, तो चौथा पॉइंट है इसका प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन बेहतर तरीके से कैसे होगा, मैप से होगा। ठीक, मैप से कैसे होगा, तो वही ये चार लाइन, एक दो तीन चार, ठीक है, अगर 30 वर्ड है, 60 है तो 6 लाइन रहेगा, जिसमें 40% में आप क्या करेंगे, मैप बनाएंगे, 60% में आप क्या करेंगे, तो कंटेंट लिखेंगे। तो वही इंट्रोडक्शन एक लाइन का छोटा सा क्रिस्प सा लिखेंगे। मेन साइट्स फ्रॉम वेयर प्री हिस्टोरिक एज्ड वेपनरीज हैव बीन फाउंड इन छत्तीसगढ़ आर, या छत्तीसगढ़ से मध्य पाषाणकालीन औजारों की प्राप्ति मुख्यतः निम्न स्थानों से हुई है, ये एक लाइन का हो गया आपका कंटेंट। ठीक है, या इंट्रोडक्शन, कंटेंट नहीं यार, इंट्रोडक्शन। फिर ये जो मैप बनाया है आपने, इस मैप पर क्या करेंगे, तो रायगढ़ के सामने ये सारा लिखेंगे नाम, और यहां पर आप लिखेंगे पूर्व पाषाण काल या पेलियोलिथिक एज। उसके बाद नीचे आएंगे कोंडागांव और बस्तर में साइट्स के सामने, पहले आप बाहर साइट लिखेंगे, गढ़चंदेला, राजपुर, भाटेवाड़ा, घाट लोहांग, सब कुछ लिखा आपने, और उसके बाद क्या करोगे, आप लिखोगे मध्य पाषाण काल। ठीक है, उत्तर पाषाण काल, फिर से आप रायगढ़ में गए, यहां से आपने क्या लिखा,
कबरा पहाड़, यहाँ लिख दोगे उत्तर या पोस्ट मिजोलिथिक एज। नवपाषाण काल के लिए आप क्या करोगे, तो ये दो ऊपर नीचे है अर्जुनी है, और ये आपका क्या है चितवा डोंगरी है, नीचे यहां पर टेरम। मैप में आपने ये लिख दिया, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप लिख के साइट्स लिखोगे, तो उनको जोड़ के ये भी लिखना कि वो किस एज की वेपनरी या किस काल के आपको औजार वहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। एक बार आप लोग ना इसका आंसर लिख के मेरे को पोस्ट करना, पोस्ट मतलब इंडियन पोस्टल सर्विसेज वाला पोस्ट मत कर देना, हमारे वेबसाइट पर डालना, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं ना, तो ये ऐसा तिरछा मिर्छा लिखने लगते हैं, ऐसा देखने में अच्छा नहीं लगता, प्रेजेंटेबिलिटी खराब होती है। मैप पे कभी भी प्लॉटिंग करें, एक लाइन में बहुत अच्छे से सीधा सीधा लिख कर करें, ठीक। तो आई होप ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन या अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, पाषाण घेरे क्या होते हैं, इनका छत्तीसगढ़ से क्या संबंध है, व्हाट आर मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स एंड व्हाट इज देयर रिलेशन विद छत्तीसगढ़, ठीक है भाई। चलिए सबसे पहले क्या है, ये पहला क्वेश्चन आया या पहला स्टेप पर आए, पहला स्टेप क्या था, क्वेश्चन को पढ़ना और पढ़ के समझना। तो ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें पूछ रहा है पाषाण घेरे क्या होते हैं, मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं। सेकंड पूछा है छत्तीसगढ़ से क्या रिलेशन है, मतलब सीधी सी बात है बताना है छत्तीसगढ़ में कहां से मिले हैं करके और क्या, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, पहला स्टेप हमने देखा, हम समझ गए क्वेश्चन क्या है। सेकंड स्टेप पर आते हैं, तो सेकंड स्टेप पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन कुछ विश्लेषण है कि तथ्यात्मक है। इसमें किसी प्रकार का आपका कोई विश्लेषण नहीं पूछा है, एक डेफिनेशन है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स पूछा है, मतलब लगभग फैक्चुअल आंसर है कह सकते हो। अब तीसरा क्या है इसका, प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे होगा, फिर से आप इसको यूज करेंगे मैप के माध्यम से। डेफिनेशन में आपको बताता हूं डेफिनेशन क्या है। तो लौह युग या आयन एज जो था, उस समय क्या होता था ना, डेड बॉडीज को या शवों को दफनाने या बरी करने के लिए बहुत बड़े बड़े चट्टान, विशाल चट्टान या मेगालिथ, लिथ मतलब पत्थर, मेगा मतलब बड़ा, तो बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया जाता था, ठीक है। इसी को क्या बोलते थे, मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स। अब छत्तीसगढ़ से क्या संबंध है, तो छत्तीसगढ़ में बालोद डिस्ट्रिक्ट, धमतरी डिस्ट्रिक्ट और कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट से ये मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स जो है वो मिले। तो बालोद में क्या है, सोरर, चिरचारी, करही, बदर, करका, भाट और मुजगहन। धमतरी में क्या है, तो ये लेटेस्ट है गंगरेल, करंट से है, और कोंडागांव में है गढ़धनोरा, यहां से लगभग 500 महापाषाण स्मारक या मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स मिले, क्लियर है। अब आंसर राइटिंग कैसे होगी, तो प्रेजेंटेशन में फिर से वही, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन में मुझे ऐसा लगता है कि एक से डेढ़ लाइन चली जाएगी। अब एक से डेढ़ लाइन मतलब ये चार लाइन है आपकी, जिसमें मैप के लिए आपने जगह छोड़ा है, तो ये एक से डेढ़ लाइन बोल रहा हूँ, समझ में आया। पहले लिख मत देना, पहले मैप के लिए जगह छोड़ना फिर लिखना, भावनाओं में बह के सीधा लिख दोगे ना तो मैप आपके लिए जगह नहीं बचेगा। तो पहले मैप के लिए जगह छोड़ा, फिर लिखा, एक से डेढ़ लाइन आ गई, फिर आपको क्या करना है, मैप बनाना है छत्तीसगढ़ का, और उसके बाद यहां पे अगर एक साइड ही जगह बच रही है ना, तो ये लाइन बना के डिस्ट्रिक्ट्स को लिखना। तो यहां पे मान लो बालोद है, तो बालोद का लिख दिए, धमतरी का लिख दिए, कोंडागांव का लिख दिए, तो तीन लाइन है, इजिली लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत ईजी फैक्ट्स हैं यार, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि अगर आप मेंस के क्रैश कोर्स में बैठ रहे हैं, मतलब आपका प्री एकदम क्लियर है, प्री में आपने अच्छे से पढ़ाई करी थी, और मेंस के डिटेल वाले वीडियोज जो हैं उसको भी आप देख ही चुके होंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, राम वन गमन पथ योजना पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है या शॉर्ट नोट लिखना है राम वनगमन पथ योजना पर। कभी भी अगर किसी प्रकार की कोई भी योजना आ जाए, योजना मतलब किसी प्रकार का कोई स्कीम आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको किन पॉइंट्स में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है कि ये योजना कब ऑफिशियली स्टार्ट हुई, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है,
स्टार्ट मतलब कब शुरुआत हुई, ऑब्जेक्टिव मतलब इसका क्या उद्देश्य है, उसके बाद आप बताना उसका क्या डिटेल होता है, उसके अंदर कुछ डिटेल होगा ना भाई इस योजना में, और उसके बाद आप बताना कि इस योजना में कुछ अचीवमेंट है क्या, मतलब इस योजना से कुछ अचीव किया है क्या। क्लियर है? तो सबसे पहले कब स्टार्ट हुई है, क्या उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है, क्या डिटेल है उसके, उसके बाद क्या कुछ अचीवमेंट उसमें से हुआ है। ये चार पॉइंट में ही किसी भी योजना को अगर आप सोचोगे तो एक बढ़िया सा आंसर आप लिख सकते हो। देखो, अगर योजना के बारे में अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान ना दो और आप लिखना चालू करो और 30 वर्ड में क्वेश्चन आया है, रैंडमली लिखोगे तो 30 वर्ड कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा और कंटेंट छूट जाएगा बहुत सारा। अब आप देखो, थोड़ा सा प्लानिंग करो आंसर का। स्टार्ट मतलब इसमें आप कितना लाइन दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आधा लाइन। ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो 1 से 1.5 लाइन ऑब्जेक्टिव है। डिटेल, तो आपको 1 से 1.5 लाइन इसका डिटेल बताना है, और लगभग आधा लाइन में अचीवमेंट। आप देखोगे कि अप्रोक्सीमेटली 4 लाइन का कंटेंट आपका रेडी हो गया। ठीक है, तो मन में थोड़ा सा प्लानिंग भी करना है आंसर लिखने से पहले। एकदम गदाधारी भीम बन के कूद नहीं जाना है कि मैं लिख दूंगा आंसर को करके। क्लियर? तो समझ गए आप लोग। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट, तो स्टार्ट का मैं आपको डेट बता देता हूं। ऑफिशियल इसका इनॉग्रेशन हुआ है 7th October 2021। ऑफिशियल इनॉग्रेशन क्या है, 7th October 2021। कहां से हुआ है, तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट में चंदखुरी से। क्लियर है? तो आई होप ये समझ गए आप पहला पॉइंट, स्टार्ट समझ गए या इनॉग्रेशन कब हुआ है, तो 7 अक्टूबर 2021 चंदखुरी। ठीक, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है या उद्देश्य क्या है, तो पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े जो स्थल हैं उनको विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। मतलब छत्तीसगढ़ में जो श्री राम के एग्जाइल से रिलेटेड स्थल मतलब लोकेशंस हैं उनको डेवलप करना एज वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। आई होप इंग्लिश वाले भी समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा डिटेल है। अब डिटेल क्या है, तो देखो, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कुल 75 स्थल चिन्हांकित किए गए जहां श्री राम ने भ्रमण किया था, इनमें से 51 या 51 स्थलों पर उन्होंने रुककर कुछ समय जो है वो व्यतीत किया। अब इस योजना के पहले चरण में क्या किया गया है, तो 9 स्थलों को विकसित करने के लिए सिलेक्ट किया गया है या चिन्हांकित किया गया है, बाकी 42 या 42 स्थल हैं वो दूसरे चरण में आएंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब इसके पीछे शोध करने का काम, रिसर्च करने का काम किस संस्थान ने किया है, तो छत्तीसगढ़ अस्मिता प्रतिष्ठान ने किया है। ठीक है, दूसरा, कौन कौन से बुक्स में से रेफरेंस है, तो मन्नूलाल यदु ने लिखा है दंडकारण्य रामायण, और डॉक्टर हेमू यदु ने लिखा है क्या, छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ। ठीक, चलिए, और उसके बाद आप देखोगे तो ये 9 लोकेशंस का नाम है। अब यहां पर आप लोग टेंशन में आ जाओगे। क्या टेंशन में, इनॉग्रेटेड ऑन 7th October 2021 एट चंदखुरी बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। ये हो गया आपका इनॉग्रेशन, जिसमें आप लगभग आधा लाइन से 1 लाइन यूज कर चुके हो। उसके बाद अगला क्या था, उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप लगभग 1 लाइन यहां पर यूज कर लिया। अब आपके पास कितना बचा है, तो 2 लाइन बचा है। अब 2 लाइन में इतना बड़ा जो कंटेंट है उसको समअप करना है, तो आप नहीं बता सकते कि वो 75, 51 ये पूरा स्टोरी बताने जाओगे, जगह जो है वो खत्म हो जाएगी। तो आपको लिखना है क्या, तो 9 locations हैव बीन सिलेक्टेड इन द फर्स्ट फेज, या प्रथम चरण में 9 स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, और उसके बाद ये जो 9 नाम है, सीतामढ़ी, हरचौका,
रामगढ़ हिल्स या रामगढ़ की पहाड़ी, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा, जगदलपुर, रामाराम। ये जो नौ नाम आपको मिल रहे हैं, इन नौ नामों को आप यहाँ पे जो नौ स्थल लिखे हैं उसके बाद ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है। तो आपने बताया प्रथम चरण में नौ स्थलों को सिलेक्ट किया गया है, उसके बाद लिखना बाकी 42 जो है वो कब आएंगे सेकेंड चरण में, ठीक। तो लगभग आपका डेढ़ लाइन और लग गया, मतलब सिर्फ आधा लाइन आपके आंसर का बचा है कंक्लूजन के लिए, ठीक है। तो इसमें बता सकते हैं आप मन्नूलाल यदू की जो बुक है दंडकारण्य रामायण, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बताना जिसके संबंधित मन्नूलाल यदू के द्वारा दंडकारण्य रामायण प्रकाशित किया गया है, या श्री मन्नूलाल यदू has published दंडकारण रामायण related to this subject। इस प्रकार से आप इस आंसर को एंड कर सकते हैं। अगर क्या आ गया 30 words में, 30 words में यहाँ पे मैप बनाने के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि कंटेंट ज्यादा है। अगर यही आंसर 60 में आ गया तो आप क्या करना, नौ स्थल तक तो सेम रखना, नौ स्थल के बाद नाम यहां लिखने के बजाय क्या करना, आप इसको साइड में मैप बनाकर बता देना। मैप कैसे बनाना है बताया हूँ, 60-40, पहले 40% में मैप बना के सेपरेट रखना, बाकी 60% में ही लिखना, ठीक है। उसके बाद अगर जगह बच जाए क्या लिखने के बाद, नौ स्थल यहां तक आपका आया होगा, उसके बाद देखना कितनी जगह बची है। अगर एक्स्ट्रा बची है तो छत्तीसगढ़ अस्मिता का नाम, दंडकारण रामायण और छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ, ये तीनों फैक्ट डाल देना, नहीं तो कम से कम दंडकारण्य रामायण जो है उसका नाम जरूर से लिख देना। तो 30 में इसमें सिर्फ कंटेंट डालना, 60 में आप इसको मैप पर ले आना, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने क्या किया, तो सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है यहां पर कि कब से इनॉग्रेशन हुआ, सेकंड में आपने क्या लिखा है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, थर्ड में आप डिटेलिंग पर आए, तो नौ स्थल 30 words है तो सीधा नाम लिखो, 60 है तो मैप पे बताओ, उसके बाद आपने कैसे क्लोजिंग की है आंसर की, तो क्लोजिंग की है दंडकारण रामायण के साथ। अगर 60 में जगह बची हो तो आप छत्तीसगढ़ अस्मिता वाला फैक्ट भी डालिए और छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ वाला जो फैक्ट है इसको भी डालेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो रामायण कालीन बस्तर का विवरण दीजिए, गिव एन अकाउंट ऑफ बस्तर ड्यूरिंग रामायण एज। वर्ड लिमिट क्या है 30 words, ठीक है। तो वही जो हम चार स्टेप्स में किसी भी क्वेश्चन को देखते थे, तो पहले स्टेप में हम ढूंढते हैं कि क्या कीवर्ड्स हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। तो रामायण काल से जोड़ना है किसे, बस्तर का, और उसका विवरण देते हुए जोड़ना है, मतलब रामायण एज और बस्तर का रिलेशनशिप निकालना है, मतलब रामायण एज में बस्तर क्या था कैसा था उसका अकाउंट देना है हमें, ठीक है। तो पहला हम समझ गए, अब सेकंड स्टेप में हम क्या देखते थे कि क्या क्वेश्चन एनालिटिकल है या क्या है सीधा फैक्चुअल है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर थोड़ा सा आपका एनालिसिस मांगा है और उसको सपोर्ट करने के लिए आपको फैक्ट, क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, विवरण देना है, बताना है अपने हिसाब से, ठीक। तो थोड़ा सा एनालिसिस दीजिए, मतलब बताइए और उसको सपोर्ट करने के लिए फैक्ट दीजिए, तथ्य दीजिए। तो ये आप समझ गए हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। अच्छा, अब ये जो 3 लिखा है मैंने, इसमें बेसिकली क्या था, फैक्ट मन में आने चाहिए। तो फैक्ट मन में पहला क्या आना चाहिए कि भाई बस्तर के बारे में बताना है तो बस्तर को रामायण काल में क्या कहा जाता था, तो इसे दंडकारण्य कहा जाता था, या बस्तर ड्यूरिंग दी रामायण एज वाज नोन एज दंडकारण्य, ठीक है। तो ये एक फैक्ट आ गया। अब फैक्ट और मन में क्या आना चाहिए कि बस्तर में कौन कौन सी जगह जो है वो रामायण से संबंधित है, तो कांकेर डिस्ट्रिक्ट, कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट, नारायणपुर, बस्तर, सुकमा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट मन में आने चाहिए। कांकेर से दिमाग ये ग्रीन नहीं दिख रहा है लगता है, आई गेस ब्लैक कर लेता हूं। कांकेर से पंचवटी तक दिमाग आना चाहिए, कोंडागांव से फरसगांव तक, नारायणपुर से राकसहाड़ा, बस्तर में चित्रकूट, तीरथगढ़, कुटुमसर और सुकमा में चिरपिटन माता मंदिर, ये दिमाग में हमारे आना चाहिए।
मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना ब्राइटनेस को कम करूंगा तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो फैक्ट दिमाग में आ गया। अब चौथा क्या है, बट ऑब्वियसली बात, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में क्या हम मैप पर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या पूरे छत्तीसगढ़ का मैप बनाने की जरूरत है? नहीं। बस्तर का बोला है तो आप सिर्फ और सिर्फ बस्तर डिवीजन या बस्तर संभाग का मैप भी बना सकते हैं। फिर से कह दूं, मैप बनाना मैंने सिखाया है, आप एक बार प्लीज उस वीडियो को फ्री में पढ़ा है यूट्यूब में, जाके देख लो प्लीज उसको। ठीक है, तो बस्तर डिवीजन वाला, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी आ गई, आपके मन में बन गया है कि अब मुझे कैसे आंसर को बनाना है। ठीक है, 30 वर्ड्स का आंसर है, तो फिर से आपके पास कितने लाइन है? तो ये 4 लाइन है। क्या करना है? तो ये जो 40% वाला एरिया है, यहाँ पर बस्तर का एक मैप बना के रख लो। कभी भी मैप बनाओ ना तो नीचे लिखना क्या है करके, क्योंकि एग्जैक्ट तो हम ऐसा मैप बना नहीं रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफाइड है, तो हमेशा मैप का नाम लिखा ताकि चेकर समझ सके। नीचे लिख देना बस्तर संभाग। ठीक, अब ये जो 60% जगह है इसमें हमको कंटेंट डालना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने कंटेंट में हमें रामायण को जोड़ना है बस्तर से। कैसे जोड़ते हैं तो समझिए, आपको ये बताना है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास में जो मैक्सिमम समय था वो दक्षिण कोसल मतलब आज के छत्तीसगढ़ वाले एरिया में व्यतीत किया या स्पेंड किया, और उसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ रहे, ये बस्तर क्षेत्र में। क्लियर, तो आपका आंसर स्टार्ट ही ऐसा होना चाहिए कि भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में भ्रमण करते रहे, या वनवास का मैक्सिमम समय, सर्वाधिक समय। तो लॉर्ड रामा ड्यूरिंग हिज एग्जाइल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आपने यहां पर इतना लिख दिया। अगले लाइन में आप क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे बस्तर का रामायणकालीन नाम दंडकारण्य था, या बस्तर ड्यूरिंग द रामायण एज वॉज नोन एज दंडकारण्य। तो लगभग 2 से 2.5 लाइन आपका खत्म हो गया। अब उसके बाद नीचे जो जगह बचा है उसमें आप क्या लिखेंगे? बस्तर के कुछ रामायणकालीन स्थल मैप पर दर्शाए गए हैं, या सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रामायण एज्ड साइट्स फ्रॉम बस्तर आर प्लॉटेड ऑन द मैप। तो ये 60% कंटेंट वाला एरिया आपने कर लिया। अब 40% में क्या करिए? तो जो कांकेर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर डैश करके लिखे पंचवटी। अगर जगह बचा है वहां पे और, तो वहां पे ब्रैकेट में सीताहरण लिख देना जहां पर पंचवटी लिखे हो तो। ठीक है, कोंडा गांव में डैश करके लिखना फरस गांव, ब्रैकेट में लिख देना जटायु शिला। नारायणपुर में लिखना कॉमा डैश बना के राकस हाड़ा, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? भगवान श्री राम ने राक्षसों की हड्डियां तोड़ दी थी। ठीक है, इतना जगह ना हो तो राकस हाड़ा लिख दोगे तो भी चलेगा। बस्तर में चित्रकूट, राम सीता की लीला स्थली, या सीधे इंग्लिश में रिलेटेड टू लॉर्ड राम एंड सीता से लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीरथगढ़, सीता नाहनी बस्तर में ही, बस्तर में ही कुटुम्बसर गुफा, श्री राम सीता और लक्ष्मण क्या करते थे, कुछ समय व्यतीत किया था यहीं पर, एक स्टैलेगमाइट स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं कि वो एक शिवलिंग था जिसके राम जी सीता जी क्या करते थे, पूजा करते थे। उसके बाद सुकमा में क्या करोगे? तो डैश करके लिखना चितपटन माता टेम्पल या मंदिर। ठीक है, अगर जगह है तो आप लिख सकते हैं राम जी के पैरों के निशान मिले हैं यहाँ पे। क्लियर है, तो आपने क्या किया, आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, बस्तर का नाम बता दिया रामायण काल में क्या थे, उसके बाद मैप में आपने एग्जाम्पल बता दिया कि बस्तर में कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जो कि रामायण पर या रामायण से रिलेटेड है, जुड़े हैं। अगर जगह होगी तो इनका डिटेल भी बता दिया। ठीक है, अगर जगह नहीं है 30 वर्ड्स में, डिटेल मत बताना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम नाम बता देना। 60 में अगर आ गया तो डिटेल बता ही देना, तो 30 और 60 में थोड़ा सा डिफरेंस भी हो जाएगा। क्लियर, अब आप सोचो, आपने एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने कुछ फैक्ट्स बता दिए, आपने मैप भी बना दिया, तो सारा कुछ डायमेंशन जो इस आंसर का हो सकता था आपने उसको कवर कर लिया। तो बेसिकली मेरे हिसाब से यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मिल जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रामायणकालीन छत्तीसगढ़ का विवरण। तो बस्तर की जगह यहां पर क्या लिख दिया है? छत्तीसगढ़ का विवरण देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इंट्रोडक्शन वही सेम रहेगा कि राम जी अपने एग्जाइल या वनवास का मैक्सिमम समय कहां पर व्यतीत किए, तो छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। उसके बाद बताना जो बस्तर का नाम बताया था उसकी जगह छत्तीसगढ़ का रामायणकालीन नाम, तो बता देना दक्षिण कोसल था और बस्तर वाले एरिया को दंडकारण्य। इतने में आपका लगभग 1.5 लाइन खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको लोकेशंस बतानी है। तो सेम वही 60-40 वाला, 60% में हम ये कंटेंट लिख रहे थे, 40% में हमने क्या किया, मैप। और मैप में ये जो 9 लोकेशंस आपको याद है, कौन से वाले? फर्स्ट फेज के 9 लोकेशंस। कौन से फर्स्ट फेज के? राम वन गमन पथ योजना वाला जो फर्स्ट फेज था, उसका जो 9 लोकेशंस थे, उनको एग्जांपल के तौर पर यूज कर सकते हो। इसको सेपरेटली इसलिए इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सेम बस्तर वाला भी बताया हूँ, उसमें बस्तर की जगह क्या है आप छत्तीसगढ़ कर दो, कंटेंट सेम रहेगा, इंट्रोडक्शन सेम रहेगा, नाम बस्तर का बताया था, यहाँ पर छत्तीसगढ़ बस्तर दोनों का बता देना। एग्जाम्पल में ये 9 नाम है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी चलो बता देता हूँ। सीतामढ़ी हर चौका कोरिया पे है, रामगढ़ कहाँ है? सरगुजा में, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, तुरतुरिया कहाँ? तो बलौदा बाजार, चंदखुरी रायपुर, राजिम गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में, सिहावा धमतरी जगदलपुर बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, और रामाराम कहाँ पर है? तो सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है ये? इसको प्लीज फिर से कह रहा हूँ कि इस पर दिखाना मैप पर, 60-40 वाला तरीका आपको पता ही है। 60% में क्या लिखो? इंट्रोडक्शन लिखो, नाम लिखो, ठीक है। 40% जो मैप का जगह है उसमें ये प्लॉट करके दिखाएं, डिस्ट्रिक्ट को प्लॉट करना। उदाहरण के लिए ये कोरिया है, यहाँ करके लिख दिए सीतामढ़ी हर चौका, ये सरगुजा है, यहाँ लिख दिए रामगढ़ पर्वत, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि यहां पर आप लोग एक ही तरफ मैप में प्लॉटिंग करें, दोनों टाइप दोनों तरफ करने लगते हैं तो जगह ज्यादा खराब होती है, ठीक है। तो एक बार आप आंसर लिख के देखना भी, और जैसा आपको आंसर में कम से कम जगह जिस तरीके से आप यूज कर पा रहे हैं तो उस तरीके से आप आंसर को लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। मेरा मानना है कि एक तरफ जब भी आप डायग्राम को लेबल करते हो तो हमेशा जगह जो है वो कम लगती है, तो कोशिश करेंगे एक तरफ करें, ठीक। अच्छा, एक और चीज, छत्तीसगढ़ के मैप को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना, पूरा जिला काटने के साथ मैप जो है ना छत्तीसगढ़ का, वो आपका 10 से 15 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए। इतना प्रैक्टिस करो, 10 से 15 सेकंड के अंदर मैप बन जाना चाहिए, तब तो मतलब है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, मैप बना बना के टाइम खराब कर दोगे, मुश्किल हो जाएगा। फिर एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी है, दक्षिण कोसल की भाषा इस समय क्या थी? कोसली थी। एक्स्ट्रा फैक्ट है, 60 वर्ड्स में अगर ये आए तो भले इसको ऐड कर देना, 30 वर्ड्स में जगह नहीं बचेगी, नहीं डालोगे चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो अभी तक प्रीहिस्टोरिक साइट्स देख लिए हैं, रामायण देख लिया। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है? महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ का विवरण दीजिए, गिव एन अकाउंट ऑफ छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग महाभारत एज। ठीक है भाई, फिर से अगर आप देखोगे क्वेश्चन को, पढ़ोगे आप, तो क्या करना है? फिर से विवरण देना है, अकाउंट देना है, मतलब छत्तीसगढ़ को जोड़ना है किससे? महाभारत एज या महाभारत काल से, एकदम आसान शब्दों में, भाषा में कहूं तो। फिर से वही 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप है क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ लिया, समझ लिया। सेकंड, क्या एकदम फैक्चुअल है? नहीं, थोड़ा सा एनालिसिस करके दिखाना है, फिर फैक्ट बताना है। थर्ड, फैक्ट तो दिमाग में फैक्ट आ जाना चाहिए कि महाभारत में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था, तो मध्य छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया था उसको प्राक कोसल या कोसल कहते थे, बस्तर को कांतार कहते थे। और फैक्ट्स क्या है? तो कुछ लोकेशंस हैं, तो जांजगीर चांपा में गुंजी, तो बेसिकली क्या है, महाभारत को जब पढ़ोगे तो बहुत सारे पर्व हैं उसमें, उसमें से एक पर्व है, नाम है क्या? वन पर्व। और ये जो वन पर्व है ना, इस वन पर्व में एक जगह का नाम है या एक जगह का उल्लेख है या एक जगह के बारे में बताया गया, उसका नाम क्या है? तो है ऋषभ तीर्थ। तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे कहते हैं कि ये ऋषभ तीर्थ कुछ नहीं था, वो जांजगीर चांपा का गुंजी है। फिर बिलासपुर, तो उस समय रतनपुर का नाम क्या था? मणिपुर। रतनपुर के दो फेमस किंग्स थे, एक मोरध्वज और एक उनके पुत्र ताम्रध्वज। तो ये मोरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी कहते थे किसको? रतनपुर को।
महासमुंद, तो महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है सिरपुर, इस समय उसका नाम था चित्रांगपुर। तो चेदी वंश के एक राजा थे, नाम क्या था? भब्रुवाहन। और ये जो भब्रुवाहन थे, बेसिकली कहते हैं कि ये पांडु वंश के अर्जुन थे ना, उनके बेटे, अर्जुन और चित्रांगदा के बेटे, इसलिए अपने माँ के नाम पर चित्रांगपुर नाम रखा। फिर खल्लारी, इस समय खल्लारी को क्या कहते थे? खल्लवाटिका। यहां पर क्या है? तो भीम के फुटप्रिंट्स मिले हैं। और क्या है? तो लाक्षागृह, जहां से पांडवों को जला के मारने की साजिश हुई थी, इंग्लिश में कहते हैं हाउस ऑफ लैकर। रायपुर, तो रायपुर का आरंग, उस समय नाम क्या था? भांडेर। यह एरिया भी किसके अंदर था? तो बेसिकली मोरध्वज जो किंग थे ना, उसी के अंदर ही आता था। मोरध्वज की नगरी कहते हैं इसको, किसको? आरंग को। क्लियर? तो थर्ड स्टेप में ये सारे फैक्ट आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। अब फोर्थ स्टेप क्या है? इनका प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन फिर से कैसे करना है? तो मैप से करना है। ठीक, तो आंसर को एक बार मैं आपको बताता हूं कि कैसे अटेम्प्ट करेंगे। फिर से वही 60-40 का स्कीम है भाई अपना। 40% में मैप बनाएं, 60% में लिखें। छत्तीसगढ़ का महाभारत कालीन नाम प्राग कोसल या कोसल था, या छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग दी महाभारत एज वाज नोन एज प्राग कोसल और कोसल। बस्तर का नाम कांतार था, या बस्तर वाज नोन एज कांतार। तो ये आपका हो गया लगभग 2 लाइन। उसके नीचे का 2 लाइन है उसमें लिखना छत्तीसगढ़ के फेमस साइट्स महाभारत एज के। यदि फेमस साइट्स ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम महाभारत एज आर प्लॉटेड इन द मैप, या महाभारत काल से संबंधित छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थलों को मैप पर दर्शाया गया है। देखिए, अब ये मैप बना लिया आपने। अब मैप में क्या करना? सबसे पहले ये जांजगीर चांपा जो है, यहां से एक लाइन निकालना, लिखना क्या? गुंजी, ब्रैकेट में लिखना ऋषभ तीर्थ। फिर ये बिलासपुर है, यहां से निकालना रतनपुर, ब्रैकेट में क्या लिखना? मणिपुर। फिर बताना मोरध्वज ताम्रध्वज की राजधानी। इसी प्रकार महासमुंद से 2 लाइन निकलेगी, एक सिरपुर के लिए ऑब्लिक करके नाम क्या लिख देना, या ब्रैकेट में लिख देना चित्रांगपुर। फिर बताना भाई किसकी राजधानी थी चित्रांगपुर, तो भब्रुवाहन की। फिर खल्लारी, ब्रैकेट में लिखना खल्लवाटिका। और उसके बाद बताना यहाँ पर भीम के फुटप्रिंट्स मिले हैं और हाउस ऑफ लैकर या लाक्षागृह। फाइनली ये जो रायपुर है, यहाँ करके निकालना क्या? आरंग, इसी को भांडेर लिख देना और लिख देना यहाँ ब्रैकेट में क्या? सिटी ऑफ मोरध्वज या मोरध्वज की। क्लियर? तो इस प्रकार से इस आंसर को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो का जो टॉपिक था, जिसमें छत्तीसगढ़ का प्रागैतिहासिक कालीन स्थल या प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास या स्थल या प्रीहिस्टोरिक साइट्स जो है उसको हमने देखा, फोकलोर्स या जो जनश्रुति है उसमें से छत्तीसगढ़ का इतिहास मतलब रामायण और महाभारत, इसमें से भी हमने क्वेश्चन को देखा। ठीक है, तो क्वेश्चन कंटेंट दोनों मेरी तरफ से मिल चुका है। मैं क्या चाहता हूँ आप लोगों से, तो आप लोग आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करें, आंसर भेजें मुझ तक, पोस्ट करें वीडियो पे। वीडियो पे कहता हूँ यार, नीचे जो रहेगा हमारे वेबसाइट पे लिंक, उस पे आप एक बार प्लीज़ पोस्ट करें। ठीक है, और उसके बाद मैं आपके आंसर्स को चेक करूँगा, चाहे तो मुझसे बात भी कर सकते हैं, मैं आपको फीडबैक भी दे दूँगा आपके आंसर्स का। ठीक है, तो इस वीडियो का कंटेंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ, और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को हम आगे लेकर चलने वाले। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आप सभी से मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।